बिला तमहीर जनाब की खिदमत अंदर टॉपिक अपना शुरू करने आ फजाइले जुमा फजाइले जुमा सुभान अल्लाह जुमे दे फजाइल साड़ी पंजाबी अंदर उर्दू दे अंदर जुमा कहने आ जुमा मीम ते जीम ते पेश आएगी और साड़ी पंजाबी उर्दू अंदर मीम ते भी पेश आएगी जुमा जुमा कहने आ ना अरबी दे अंदर जुमा नहीं जदों कुरान दी आयत पढ़नी है तुझे सुनिया होगा जेड़े हाफिज और कारी लोग ने जुमुआ जुमु जीम ते भी पेश है और मीम ते भी पेश है। हाँ फिर सही अदा हुंदा तवज्जो फरमाना जरा गौर नाल सुनिया जे फजाइले जुमा सुभान अल्लाह। सब तो पहले अल्लाह दी तौफीक दे नाल माशाअल्लाह 1977 नंबर हदीस है ही मुस्लिम शरीफ दी तवज्जो फरमाना हा 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 सुभान अल्लाह। इस हदीस दे रावी सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला समझे नहीं बात कौन अबू हुरैरा फकीउल उम्मत अबू हुरैरा कौन अबू हुरैरा इमामुल मुहद्दिसीन अबू हुरैरा कौन अबू हुरैरा इमामुल मुज्तहिदीन अबू हुरैरा यानी मुज्तहिद लोगों के इमाम सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह कहते जनाल रज़ी अल्लाह ताला कौन अबू हुरैरा इमाम الحفاظ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला लोगो हदीस दे हाफज नू जड़ा हाफजे हदीस होवे उनू हदीस दा हाफज आख्या जांदा है यानी जिस मुहद्दस नू 5 लाख हदीसा बमाए सनद और मतन याद होण हदीस नाल मोहब्बत करने वाला हदीस रसूल दा हुबदार अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला कितनी मरतबा बयान होया है हजरत अबू हुरैरा भुखा नाल इवें मस्जिद दिया सफा ते लेटते रहेंदे पासे ते करवटा बदलते रहेंदे अपनी रोटी कमाण वास्ते भी किधरे कारोबार वास्ते नहीं जाया करते सन कि मैं कारोबार ते चला जावा अल्लाह दे नबी सोने अपने होंट खोलन मेरे नबी दे होंट हिलन मैं प्यारे नबी दे होंटा नू हिलदिया नू वेखना है जबान चो अंदरों आवाज निकलती नू वेखना है हजरत अबू हुरैरा वेखते भी सन सोने नबी वल्ले सुनते भी सन जो बातां बयान होंदियां ने सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस हजरत अबू हुरैरा रवायत करदे ने मेरे तेरे प्यारे महबूब मुहम्मद हर जांदा कलेजे ठंड पै जांदी है मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद कह दो जरा हजरत मुहम्मद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई कई वीर मेरा दिल इंज करता है मेरे मोहतरम जनाब प्यारे भाई अल्ताफ भट्टी साहब इंज दिल करता है मेरा कई मरतबा कि मैं जनाब सिर्फ और सिर्फ प्यारे नबी दा नाम मिंट नहीं घंटिया के घंटे गुजर जान आका का नाम ही ले जावा तुसी किताबा बड़िया बड़िया वेखियां अर रही कुल मखदूम हर घर की हर लाइब्रेरी की जीनत किताब है मौलाना सबीर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्ला अलैह दी। मैं एक दिन गौर कर लग गया जेड़े सफे थे प्यारे आका अलैह सलाम का नाम ज्यादा मरतबा आया ज्यादा मरतबा दरूद लिखा गया उस सफे की शान दूसरे सफ्या नालों आला ते अफजल हो जाती वो सफा ही वखरा माशाअल्लाह इंज लगता है सफे की बहार ही वक्री आ गई। इस वास्ते मैं अर्ज़े कर रहा तवज्जो फरमाना अल्लाहु अकबर अल्लाह हजरत अबू हुरैरा इस हदीस दे रावी ने यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रवायत फरमाते ने कहते ने प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन दिल जेदे अंदर सूरज निकलता है, गल समझा जरा, बेहतरीन यानी सब तो आला ते उम्दा दिल जेड़े अंदर सूरज निकलता है वो दिन जुमे दा है, जुमे दा दिन है। और नाल प्यारे नबी सोने ने फरमाया कि ए दिन ए फीही खुलिका आदम, ए दे अंदर हजरत आदम अलैह सलाम नु पैदा कीता गया, वफीही उदखिलल जन्ना, ए दे अंदर जनाब इसे दिन अंदर जुमे वाले दिन हजरत आदम अलैह सलाम नु जन्नत भी दाखिल कीता गया, वफीही उखरिजा मिन्हा, और इसे जुमे वाले दिन हजरत आदम अलैह सलाम नु जन्नत विचो निकालिया गया, वला तकुमु सारतु इल्ला फी यौमिल जुमुआ, समझ आ गई ना। और इसे दिन दे अंदर यानी जुमे वाले दिन कयामत कायम होएगी। और अगली बात जो फरमाना जरा है जी जनाब, वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटी फोर ते मुस्लिम शरीफ दी एक हदीस आ गई होर, समझाई ना वो केड़ी हदीस है, ओदे रावी हजरत अबू हुरैरा सुभान अल्लाह, जुमे दे बारे अंदर ज्यादियां हदीसां बुखारी शरीफ दियां मुस्लिम शरीफ दियां दूसरियां किताबां हजरत अबू हुरैरा ही तुहानू रावी नजर आणगे सुभान अल्लाह। इतना प्यार इतने हदीस दे खुबदार हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला प्यारे नबी तो रवायत करदे ने, कहंदे ने मेरे तेरे प्यारे महबूब मुहम्मद, कई मेरे वीर कहते ने मैं जिस जुमे भूल जावा जेन चो ना रवे, कहते कारी साहब ये जुमला ते असी सुननी ना, जो प्यारे नबी का नाम लेंदे हो जरा इंज करके लै दया करो, नाले नकल मेरी उतार के दस देने दोस्त सुबहान अल्लाह। इधर वेखना मेरे प्यारे, बात समझते जाना, प्यारे नबी सोने ने फरमाया यानी दूसरी हदीस जो बयान कर रहे हैं 1984 नंबर हदीस, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान, मेरे नबी ने फरमाया जिस जुमे दा जदों जुमे दा दिन आंदा है ते बस जुमे दे दिन मस्जिद दे तमाम दरवाजियां चो बड़ी जामे मस्जिद है, मस्जिद नबवी है, होर बड़िया बड़िया मस्जिदां ने, उहदे कई कई सौ दरवाजे ने ना, हर हर दरवाजे ते अल्लाह दे फरिश्ते रजिस्टर लैके बह जांदे ने। जुमे दी फजीलत फजाइले जुमा सुने आजे कदी, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे वीर इवें रजिस्टर लैके फरिश्ते तशरीफ फरमा हो जाते ने। ए जड़े हदीस दे अल्फाज ने अरबी अल्लाह इज फरमाया इज कना यौमुल जुमुआ, जदो जुमे दा दिन शुरू हुंदा है, गल समझे आजे, ओ फरिश्ते 12 बजे आके नहीं बैठते, 11 बजे नहीं जे बैंदे, हाँ हाँ वो 1 बजे या 1:30 बजे जिवें साढ़े लोगों का वतीरा है मस्जिद आन का, वह फरिश्ते इंज नहीं जे करते, जू ही दिन तलू होया सूरज निकलिया टिक्की निकलदिया नाल ही और रजिस्टर लैके मस्जिद के दरवाजिया से बह जाते ने, बस सुबह दिन निकल तो लैके जुमे दे वक्त तक जेड़ा सब तो पहला आएगा, सब तो पहले आएगा, क्यों जी तवज्जो फरमाना जरा जी जी, ओ बंदा एक होवे दो होण सौ होण, क्यों जी पहला ग्रुप आएगा कल्ले कल्ले बंदे नू, ओह सुभान अल्लाह, एक ऊंट कुर्बान करने दे बराबर ऊंट दी कुर्बानी दे बराबर सवाब लिखिया जाएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरा ग्रुप आने वाला, दूसरा ग्रोह
दूसरा टोला, दूसरा ग्रोह, दूसरा जत्था, यानी दूसरा ग्रुप जो तशरीफ ले आन वाला है जी, ओदे बारे अंदर के गाय दी कुर्बानी करने दा सवाब। कले कले बंदे दे जितने ग्रुप में जितने मर्जी बंदे होन जनाब, इतना सवाब लिखिया जाएगा। ओह सुभान अल्लाह जी मेरे प्यारे भाई, ए नहीं इधर वेखो, पहला आया है एक दरवाजे, दूसरे दरवाजे चो पहला आने वाला ओदा भी कुर्बानी ऊंट दी दा सवाब। सुभान अल्लाह, दूसरी मर्तबा जेड़े ग्रुप दाखल हुंदे ने ओदा कर गाय दी कुर्बानी दे बराबर सवाब मिलेगा। और नाल ही फरमाया के जनाब तीसरा ग्रुप आने वाला, मेरे नबी सोने फरमाया गोया के उसने मीडा अल्लाह दे रस्ते अंदर कुर्बान कीता। छतरा दुम्बा जी जी, मीडे दी कुर्बानी दा, छतरे बकरे दी कुर्बानी दा सवाब। फिर अगला चौथा ग्रुप आंदा है, चौथे ग्रुप वास्ते फरमाया कि जिवें अल्लाह दे रस्ते अंदर ने मुर्गी दित्ती है, मुर्गी हिबा कीती गिफ्ट, यानी अल्लाह दी राह दे अंदर मुर्गी दा नजराना पेश कीता। फिर उस तो बाद पंजवें दर्जे ते आण वाला ग्रुप है, ओदा फरमाया मुर्गी दा सवाब ना सही, ओ आसमान वाला फरमांदा है सोनिया एक वक्त इंजदा आएगा तेनू एक एक नेकी दी लोड़ पवेगी, हो सकदा है तेरा ए पंजवी मर्तबा यानी पंजवे ग्रुप अंदर आना एक मुर्गी दे अंडे नू अल्लाह दी राह अंदर नजराना पेश करन दे बराबर सवाब मिल जावे, ते ए कोई मुर्गी दा अंडा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर पेश कीता होया तेरी नजात दा जरिया बन जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जी मेरे सोने वीर, इसे वास्ते ते मैं अर्जा ला रहा ना, तेनू दसना चाहना गोया कि मैं आखर ते मेरे याद आ गई बात रिपीट भी कर दियांगा, जिन्हां लोगों नू पता ही नहीं, जेड़े लोग पहुंचे ही नहीं अजे तक उन्हां लोगों नू की पता खुतबा जुमा हुंदा की है, केड़ी चीज़े ते फजाइल की ने। सोनिया इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े मुहद्दिसन, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह जुमे तो पहले 34 रकात नमाज पढ़िया करते सन, 34 रकात नफल पढ़ते सन। समझ नहीं पाए, इधर वेखो असी 11 रकात पढ़ने, कई मस्जिदों के अंदर है जी 23 रकात भी होंगे ने तरावी दियाँ, ठीक है ना, 20 नफल और अगे 3 वितर हो गए, ठीक है ना, साड़ियाँ 11 रकात 8 नफल वह भी नफल ही ने, वितर भी नफल ने, 3 प्यारे नबी सल्ला वितर हमेशा ही की नबी की सुन्नत। अच्छा मैं इस बहस अंदर नहीं आता, मैं तो यह दसना 11 रकात पढ़िए अद्धा सपारा, असी इन्हें तरावियां जिहड़ियां गुजरियां अद्धा सपारा पढ़ते सन, कारी साहब मेरा बेटा कारी महमूद जिन्हें कुरान सुनाया, ते कारी महमूद याकूब अद्धा सपारा सिर पढ़ते सन, तो घंटा कम अज कम लगता, 11 रकातां ते 1 घंटा लगता सी। अच्छा यानी घंटा सवा ते मामूली गल है ना त्रावियां दे विच। अच्छा ते 11 रकातां पढ़ियां गईयां ते 11 तिया 33 3 घंटे 33 रकातां हो गईयां, 1 रकात फिर वध बच गई, लेकिन साढ़े वर्गियां रकातां उन्हां दियां नहीं सन। ना ना हर मौलवी की यार तू तो वेला है यार, बज बन ही दिता ही फड़ के, है जी खड़े खड़े आकड़ ही गए हैं, है जी साढ़े वर्गे आकड़े लोग नहीं सन, उन्हां दी आकड़ फाकड़ बिल्कुल लथी हुई सी, वह झुके हुए सन, क्यों जी वह उन्हां दी उन्हां दे अंदर आकड़ा नहीं सन। हाँ वो बहुत ज्यादा है जी लंबे लंबे क्याम, लंबे लंबे रुकू और लंबे लंबे सजदे करके रकातां पढ़ते सन। अल्लाह गोया के कम अज कम 34 रकातां दे थोड़े तो थोड़े भी 5-6 घंटे जरूर लगते होंगे, यानी हर जुमे नू 34 रकातां नफल पढ़ते सन, गोया के नमाज तो बाद, गोया के नमाज तो बाद, गल समझा जे जरा, नमाज तो बाद इशराक दे टाइम वह मसीते ही रेंदे होंगे,
जुमे का सवाब लैन वाले, ऊंट की कुरबानी का सवाब लैन वाले है जी। गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां ने, मैं मोमिन मैं मुसलमान अजी बड़े होंने अजी जन है नहीं नहीं सुने ऐ लोग सन जिन्होंने जन्नत दे जन्नत दे हाँ जी सर्टिफिकेट जिन्होंने खरीदे ने अल्लाह नूं राजी करके रब नाल ताल्लुक जोड़ के वो इस सवाब ते अजर का कोई मौका खाली नहीं जान देंदे सन। गोया कि मैनू तो इंज लगता है कि इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह सवेरे हाँ जी सुबह फजर की नमाज पढ़ पढ़ने वास्ते आते हो गए कि जुमे का गुसल करके ही मसीते आते इशराक पढ़ के और जुमे के टाइम तक और नफल पढ़ी जाते हो गए। अल्लाह कहता है अगर मेरे मेरे प्यारे नबी ने फरमाया अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो नफल बहुते पढ़िया। अल्लाह सो यार कैसे लोग सन इंज लगता है साढ़े दौर च इंज लगता है कि वह लोग पता नहीं किस चीज के बने हुए सन हड्डिया ते गोश्त पोश दे वो इंसान ही नहीं सन इंज लगता सी जिवें वो लोहे के बने हुए सन है फौलादी लोग सन। अल्लाह अकबर असल उन्हां दा ईमान फौलाद की हैसीयत रखता फौलादी ईमान वाले लोग सन अल्लाह के फजल नाल वो लोग फौलादी भी सन ते नाल जिहादी भी सन गल्लां करदे नहीं गल्लां नहीं करदे सन अमल नाल अपने अल्लाह नूं राजी करदे सन दिखावे वाली उन्हां च बात नहीं सी। इस वास्ते मेरे प्यारे भाई बात समझियो ना इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह दा अमल सुन लिया ना अल्लाह अकबर मैं पूछना किन्नियां रकातां जुमे तो पहले पढ़दे सन जुमे आले दिन माशाल्लाह माशाल्लाह 34 रकात अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह जी मेरे प्यारे भाई। और ऐसे तरीके नाल 1988 नंबर हदीस ये भी सही मुस्लिम शरीफ दी है रावी भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला मेरे नबी सोने ने फरमाया जिस बंदे ने वुजू किया है फअहसन अलवुजू उस बंदे ने बेहतरीन तरीके नाल चंगे तरीके नाल वुजू किया फल फल नहीं कोई जगह सुकी रह गिली ना ना हाँ जी बेहतरीन तरीके नाल वजू किया है यानी एक एक मरतबा आजान धोना वजू वाले आजान दो दो मरतबा धोना तीन तीन मरतबा धोना तीन तो ज्यादा इजाजत नहीं वाह वाह इस्लाम इस्लाम वजू कर लग्या भी तेन इसराफ दी पानी जाया करने की इजाजत नहीं है। जैवें मुसवाक मूह च लई बुरश लिया जनाब टूटी चलती भी अद्धा अद्धा घंटा चली जाती बगैर किसी वजह पानी जाया कर रहे हैं जी। जदों वुजू कर लगया तेन चार बारी तू कुली नहीं कर सकता चार मरतबा तू नक अंदर पानी चढ़ा के नक नू नहीं चाड़ सकता है जी जनाब चार मरतबा तू मूँह नहीं धो सकता तेरा वुजू नहीं होएगा। अगर वुजू करना है एक एक मरतबा आजाद धो सकना है दो दो मरतबा धो सकना है तीन तीन मरतबा इजाजत है तीन तीन मरतबा धो तो वुजू अच्छी तरह हो गया इनू कहते हैं अहसन अल वुजू। फरमाया जी 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 फरमाया जिस बंदे ने जुमे वाला दिन जिस बंदे ने वुजू किया फअहसन अल वुजू और बेहतरीन चंगी तरह वुजू किया फिर जुमे वास्ते आया फस्तमा व अंसता फरमाया उस बंदे ने यानी जनाब गौर नाल खुतबा सुनिया और चुप रे आए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बंदे नू एक जुमे तो लेके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जुमे तो लेके आने वाले जुमे तक सारे गुनाह मुआफ हो गए। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। और दूसरी बात सुन लो एक जुमे तो लेके अगले जुमे तक दे रोजिया का सवाब पूरा हफ्ता रोजे ही रखता रहा ते नाल हदीस दे अल्फाज ने 7 दिन और बधा लो 7 दिन गल समझो ना 7 दिन यानी एक जुमे तो लैके अगले जुमे तक 7 दिन बध गए और 7 दिन दे नाल 3 दिन का मजीद इजाफा कर लो यानी 10 रोजिया का सवाब ठीक है 7 दिन कि रोजिया का सवाब अल्लाह करीम अता फरमाएगा
जेड़ा जुमे वास्ते आया अच्छा वुजू भी किया इमाम दद दी बात इवें जनाब कोल होके बैठे आ गौर नाल नहीं सुनी कान ला के नहीं सुनी कंकरियां नाल खेलदा रहा क्यों जी एक तिन कई तोड़दा रहा सफा दे क्यों जी तिनके नाल फरमाया उन्ने फजूल काम कीता समझ आ गई बात जी मेरे प्यारे भाई जुमे दे फजाइल समाज फरमाने वाले हो मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे नबी दा फरमान एक होर हदीस सुन लो ये भी हदीस सही मुस्लिम शरीफ दी हजरत अबू हुरैरा ये दे रावी ने फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के जिस बंदे ने हाँ जी जनाब जुमे दे रोज हाँ जी जनाब ऐसी घड़ी नू पा लिया एक घड़ी जुमे वाले दिन जरूर मौजूद है जिस घड़ी अंदर बंदा जो भलाई मंगेगा अल्लाह ओहो अता फरमा देगा जेड़ी भलाई मंगनी अल्लाह कोलो जो मंगेगा अच्छी चीज जो मंग दे मांग रहा होगा ना उस घड़ी अंदर अल्लाह ओहो अता फरमा देगा सोनिया अल्लाह को भलाइया मंगया कर जुमे वाले दिन ज्यादा जिक्र अज़कार अंदर रहा कर नफल ज्यादा पढ़िया कर अल्लाह को मंगया कर नफल पढ़ता होएगा वो घड़ी आ जाएगी कुछ भी ना मंगे तेरे दिल दे इरादे नु अल्लाह पूरिया फरमा देगा पड़ी चल जी 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 इस वास्ते मैं अर्ज़ कर रहा और वो घड़ी जेड़ी है फरमाया बिल्कुल खफीफ अल्फाज रे हदीस दे खफीफ मैंने छोटी जी हल्की सी घड़ी गए छोटी सी घड़ी गए वो थोड़ा जा वक्त थोड़े तुमरा थोड़े मिनट भी हो सकते ने थोड़े सेकंड भी हो सकते ये अल्लाह नु पता है क्यों जी वो घड़ी जरूर आती है हर जुमे नु ला 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 ते एक जुमा जे 20 साल तक तू मंगदा रहा मौलविया नु कहंदा रहा मौलवी जी दुआ करो कारी साहब दुआ करो फलां जनाब रतनामा साहब दुआ करो आप दुआवां करदा रहा तजदा पढ़दा रहा सारा सर ते कोई जुमे वाला दिन ही ला लिया कर सारा कभी जुमे वाला दिन ला लिया कर ते फिर वो घड़ी ते जरूर आएगी हां जी 20 साल जेड़ा तेरा काम नहीं होया 20 सेकंडा च हो जाएगा इंशाल्लाह एक दिन लाओ घड़ी 20 सेकंडा की भी हो सकती है दो चार सेकंड की भी हो सकती है ठीक है ना इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी को होर हदीस आई जे सही बुखारी शरीफ दी हदीस है जनाब 930 नंबर हदीस मेरे तेरे प्यारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी दे सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला फरमा देने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे ने एक बंदा आया आ करके खुतबा सुन वास्ते बैठ गया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दे प्यारे नबी ने फरमाया सोनिया तहियतुल मस्जिद पढ़ के बैठे हैं हो सकता है पीछे किधरे सुतून दे पीछे पढ़ लिया वे नान आपने पूछया देखो गैब कौन जानता बोल जरा कौन अल्लाह कल्ला ही गैब आलिमुल गैब है इस वास्ते मेरे नबी नु पूछना पिया कि हजूर शायद वो किसी सतून के पिछे ओठ नाल वो दो रखता पढ़ के फिर अगे आन के बैठा हो क्यों जी एक सहाबी आया आ करके खुतबा जुमा सुन वास्ते बैठ गया अल्लाह दे प्यारे नबी ने पूछया फरमाया प्यारे क्या तहियतुल मस्जिद पढ़ करके मस्जिद अंदर बैठने दिया दो रकात पढ़ करके बैठे हो दसदा ही कोई नहीं ये हदीस केड़ी किताब दी है सही बुखारी शरीफ दी अंदाजा लाओ ते दसदा कोई भी नहीं मस्जिदा चले जो आके बैठे जाते हुण जी जेड़े खुतबा हुण पढ़ लो जी सुनता हुण पढ़ लो सुनता दा टाइम हुण दिता जांदा है नफला दो रकतां दा हुण टाइम है चार रकतां पढ़ो दो पढ़ो क्यों ए गल गलत ना सुनया प्यारे नबी ने आख्या कि जनाब सारे आन के बहंदे जाओ और बाद च टाइम दिता प्यारे नबी ने कि सुनता पढ़ दा या नफल पढ़ दा अपने कोलों को दीन बनाया जाता है प्यारे नबी सल्लल्लाह सल्लम दे सहाबी ने अगे आन के बैठिया ते आपने पूछिया प्यारे आ क्या
तहियतुल मस्जिद यानी मस्जिद दे अंदर बैठने दिया दो रकातां मस्जिद आके जदों मस्जिद चाहो दो रकातां पढ़ के मस्जिद चाहो सुभान अल्लाह बस मस्जिद तुसी आए हो दो रकातां पढ़ के बैठे हो ना जितनी देर तक मस्जिद च बैठे रहे हो रकात दो रकातां तो अलावा कोई नहीं पढ़ी गोया के तुसी नमाज दी हाल समझ आई बात इस वास्ते मेरे नबी सोने ने पूछिया क्या तहियतुल मस्जिद पढ़िया है दो रकातां पढ़िया ने सहाबी अर्ज करते ने जी जी नहीं नहीं अल्लाह दे प्यारे नबी ला नहीं मैं रकातां पढ़िया फरमाया काला कुम फरका फरमाया उठ के खड़ा हो जा दो रकातां पढ़ के बैठ जी 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 अल्लाह हुन बुखारी शरीफ दी को होर हदीस आ गई जे जनाब 933 नंबर हदीस और जनाब नाल बुखारी शरीफ अंदर ही 1021 नंबर हदीस भी मौजूद है ये दो जगह दे हदीस आई मेरे प्यारे नबी सल और मुख्तलिफ अल्फाज थोड़े थोड़े मुख्तलिफ अल्फाज ये हदीसा दोवें ही लंबिया ने हुन टू दी पॉइंट पता नहीं केड़ी चीज होंदी है भी कोई दसे ना बंदा आण के ए टू दी पॉइंट है दो हदीसा लंबिया लंबिया हदीसा कम अज कम एक एक हदीस बयान करा तो अद्धा अद्धा घंटा जरूर लगेगा है जी जाओ आप पढ़ के वेख लिया जी तुहानू भी मैं नंबर दस दिते ने हदीस दे और इस तो बड़ा की हो सकता है उन्होंने दोनों हदीसों का खुलासा बयान करना ठीक है भाई मफहूम खुलासा भी बल्कि मफहूम जहा बयान होगा इधर वेखना तवज्जो फरमाना मेरे तेरे प्यारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद फिर कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर इवें खुतबा इरशाद फरमा रहे ने मेरे नबी खिताब कर रहे ने जुमे दा खुतबा एक बंदा उठ करके खड़ा हो गया कहंदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनियो जानवर भूखे मर गए जनाब जानवर तड़प गए प्यास नाल जनाब निठाल हो गए पानी नहीं लभदा हर पासे गर्मी गर्मी वीरानियां ही वीरानियां छा गईया जमीन ते वीरानी वीरानी कोई गल बात नहीं सुनियो दुआ फरमाओ बारिश वसा देवे अल्लाह अल्लाह कोलो दुआ करो मेरे नबी ने अपने दोनों हाथ उठाए अल्लाह दे नबी ने दोवें हाथ उठाए मेरे नबी दुआ करदे ने अल्लाहुम्मस्किना गैसन मुगीसन मरियल मरियल नाफियन गैरा दारिन आजिलिन गैरा आजिल मेरे नबी दुआ करदे ने अल्लाह अल्लाह सोनिया बारिश वसा दे सहाबी कहंदे ने मेरे प्यारे नबी दी दुआ हो गई उधरों बारिश दी जल थल हो गई दुआ हुंदी पई है ना जिले दुआ शुरू हुई मतला साफ है कोई बादल दूर दूर तक छोटी मोटी गैर भी नहीं गई बदला दी मेरे नबी दुआ कर दे पैने खटावा छा पईयां घटावा मंडाइया मदीना मुनवरा दे अंदर बारिश छम छम पई वसदी है छम छम पई वसदी है बारिश वसण लग गई एक करवै तंदर इना दुआ दी सच एक करवै तंदर आया अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दाढ़ी मुबारक बारिश दे कतरिया नाल भिज गई सुभान अल्लाह जी जी सहाबा ने तो गल ही सोने नबी की करनी होंगी सी ना वैसे सहाबा वो कड़ा यहो जी मस्जिद सन क्यों जी उत्ते छप्पर काने कुने पाया सन है जी छप्पर जे सन लकड़ा को छापे मोड़े है जी बस थले सतून दिते हुए जगह जगह से पिलर दिते हुए थले ते वो मस्जिद केड़ा उत्ते बारिश होंगी जरूर रुकावट होंगी सारा पानी अंदर क्यों जी अल्लाह अकबर अल्लाह 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 जी जी बाकी सहाबा भी उन्हां दियां दाड़ियां भी ते भिजियां हो गईयां बारिश नाल क्यों जी हाँ जनाब उन्हां दे सर ते पानी बारिश दा पिया होएगा कपड़े गिले होए होणगे मगर सहाबा तो कुर्बान जाई अपनी गल ही कोई नहीं वो कहंदे ने साडी गल इत्थे असीं कहने हर जगह वो कहते थे नहीं नहीं अल्लाह रसूल दी बात हो सुभान अल्लाह कैसे अजीम लोग सन सुने इंज दा ज़ेहन बना अपने आप नू मिटा अल्लाह तेनू ऊंचिया फरमा देगा हाँ रोल दे हज दे मौके ते हो ही ना है ना कोई पग
रुमाल रुमाल सर ते टोपी रुमाल बंदे दा वकार है अजमत है लेकिन सारियां अजमतां ते पगड़ियां नूं ला के जी हकीम जफर इकबाल साहब ठीक मोड़ तो हर जुमा जिन्हों ने वादा किया आते हैं माशाल्लाह टाइम तो पहले पहुंच जाते हैं अल्लाह अकबर ते कल कह रहे सन कारी साहब दुआ करो वेखो ऐसे ऐसे बंदे भी दुनिया के होंगे ने है जी दुनिया से इंज के बंदे भी होंगे ने जेड़े है जी अपने वेलिया के कोशिश करते हैं कि कपड़े भी ला लैन है जी हाँ जो दाल लगता ला लैन जो फराड होंगे कर लैन पट्टी साहब तुम नहीं बोलते मेरा ख्याल है जी इवें ही है ना अज दुनिया का मामला अजीब होया पाया योजे बंदे लखा करोड़ों चो एक ने कहते ने कारी साहब दुआ करो अल्लाह मैनू उमरे की तौफीक देवे कहता मेरे कारी मुहम्मद याकूब फैसलाबादी मेरे नाल जाएंगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पर कैफ नेक इरादे हुण सुने अल्लाह पूरे फरमा दिंदा है उत्थे रोलना पैंदा है क्यों जी अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह हैं जी इस वास्ते अपने आप नूं रोल मर्तबे दे तबार नाल हो जाएगा रब दे कोल हाँ जी अपने आप नूं मैं कहंदा रहा फिर तो जलील ही होना ना क्योंकि इज्जत कौन दिंदा है बोल जरा इज्जत ऐ वेखो पॉइंट कितने कितने प्यारे मिल रहे इस वास्ते इज्जतां ते अल्लाह सोना देंदा है अल्लाह दे अलावा कोई शाना देने वाला नहीं वतु इज्जु मन तशाउ वतु दिल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर अल्लाह सारी कुदरतां सारियां भलाइयां तेरे हाथ अंदर अकीदा बन जावे तो फिर बंदा मैं करदा ही नहीं क्यों जी फिर अल्लाह दियां इज़ाज़मतां अल्लाह दी तौहीद अल्लाह दियां शानां अल्लाह दे नबी दियां बातां हजूर सल्लल्ला सारे साहबा रवायत करन वाले साहबी ने आख्या सोने नबी दी दाड़ी मुबारक बारिश नाल भिज गई इतवार सोमवार मंगल बुध जुमे रात आ गई बारिश नहीं रुकी जुमे वाला दिन फिर आ गया बारिश होंदी पई अल्लाह अकबर बारिश हो रही है अल्लाह दे नबी जुमा शुरू किया ते सियाबी ओहो ही सियाबी खड़ा हो गया या ओ या होर कोई क्यों जी या होर ए हदीस दो अल्फाज ने रावी कहता मेरे ज़हन च नहीं कि अगले जुमे ओहो ही बंदा सी या होर कोई सी क्यों जी हाँ जी जनाब हाँ जी खड़ा हो के बंदा कहता अल्लाह दे नबी जी हुण ते मकान डिग पे सारा मदीना तालाब बन गया पानी 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 रस्ते रुक गए सारा पानी दा सलाब आया होया है अल्लाह दे नबी जी दुआई फरमाओ मेरे नबी मुस्कराए पहले कहते बारिश नहीं होंदी है अल्लाह दे नबी दे मुस्कुराने दा पता चल गया ना प्यारे नबी मुस्कराए आपने अपने हाथ उठाए अल्लाह दे नबी का अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना साहबी कहंदा मैं सोने नबी दे इशारियां वल वेखना ते उधरों आसमान दे बदलां वल वेखना जिधर नूं इशारा वाह मेरे अल्लाह नाल इतना प्यार कर इतनिया मोहब्बतां कर तेनू इशारा भी ना करना पवे तेरे दिल अंदर इरादा आवे ते अल्लाह के बस बस होने बोल भी नहीं बोलने तेरा इरादा ही पूरा क्यों इंज प्यार कर रब नाल सहाबी कहना मैं सोने नबी दे हाथ दे इशारिया वल वेख रहा उधरों बदलां वल वेख रहा जिधर नू मेरे नबी दा हाथ जांदा है उधर नू बदल तुरिया चला जांदा है मतला साफ होया चला जांदा है अल्लाह दे नबी ने फरमाया अल्लाह जिथे लोड़े मदीने तो अलावा पहाड़ां अंदर लै जा साड़ी लोड़ पूरी हो गई आहा
मेरे नबी फरमाते ने साडी लोड़ पूरी इनू पहाड़ा च ले जा। सहाबी कहंदा मैं की वेखिया है मंजर, इवें जनाब पूरे दा पूरा मदीना मतला साफ है ते इधर भी चारों तरफ इवें हाला बनी हुई। मदीने तो बाहर पहाड़ा ते बारिश छम छम वसदी पई है। जी वाह सुभान अल्लाह। जी जी मेरे सोने प्यारे वीर, ए जे दो हदीसां दा खुलासा सुभान अल्लाह, ए जे मफहूम। इसे तरह अबू दाऊद शरीफ दी हदीस है 1118 नंबर हदीस, जाके पढ़ना। और सनद दी जिम्मेदारी है, सनद सही है। कोई माई दा लाल कवे ते सही, ज़ईफ 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 कोई कवे ते सही कह के ते दसे। हाँ मेरे प्यारे वीर सुनो, अबू दाऊद शरीफ दी हदीस है, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहे ने, एक बंदा इवें बाहरों आया लोगों दियां गर्दना फलांगदा होया, गर्दना दे उत्तों दी लंघदा, अगे आके बैठ गया। प्यारे नबी ने फरमाया तू फरमाया बैठ जा, गर्दना फलांग करके आ रहा ना, अल्लाह दे नबी ने आंदे नूं वेख के फरमाया बैठ जा, तू लोगों नूं बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, लोगों नूं बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर वेखना, तवज्जो फरमाना मेरे तेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी को होर हदीस 1091 नंबर, ए भी अबू दाऊद शरीफ दी सही सनद नाल हदीस मौजूद है। मेरे तेरे प्यारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे दा खुतबा बयान फरमाने वास्ते मिंबर ते अच्छी तरह बैठ गए, नफल नवाफल पढ़ के ना, अल्लाह दे नबी मिंबर ते बैठ गए। आप बैठ दिया, फरमा दे इजले सू बैठ जाओ, लोगों बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला ही बने मसूद मस्जिद के दरवाजे च जिथे लोग जूते उतारते ने सुने आते ओते ही पै गए, मस्जिद के दरवाजे च ही बह गए। अल्लाह दे नबी फरमाया बैठ जाओ, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ओते ही बह गए। प्यारे नबी दियां नजरां पईयां, हजूर ने देख के फरमाया ताला या अब्दुल्लाह इब्न मसूद अगे आ जा, ताल ताल आ जा या अब्दुल्लाह इब्न मसूद इब्न अब्दुल्ला बिन मसूद अगे आ जा, तैनू ते नहीं आख्या सोनिया जुत्तियां च बह जावे। हजरत अब्दुल्ला कहंदे सोनिया मैनू ते नहीं पता तुसी किन्नू आख रहे हो, बस मेरे कन अंदर आवाज पई ते गोया मैनू आख्या है। हजूर मैं एक कदम भी चुक लैंदा ते सोने दे हुक्म दी अदूली हो जांदी। ऐवें ते नहीं मेरे प्यारे नबी ने छोटे जे कद वाले सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फरमा देने सफर दे मौके उते हजूर फरमा देने अब्दुल्ला हौले जे जिस्म वाला बंदा दरख्त ते चढ़ के मसवाक तोड़ के दे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने मारी पलागी ते चढ़ गए, जनाब दरख्त ते चढ़ गए, उत्ते जे गए पिंडलियां होर बरीक महसूस होईयां, फरमाया सुनियो मेरे अब्दुल्ला दी पिंडली बल्ले वेख के मुस्करा रहे हो, मेरे अब्दुल्ला दी एक पिंडली एक पल्ले दे अंदर दूसरे पलड़े दे अंदर ओहद पहाड़ नू दाखल कर दिता जावे, मेरे अब्दुल्ला दी पिंडली दा वजन भारी है। केड़ी चीज भारी है, वजन किवें बनता है पिंडली दा, क्यों जी बंदिया तेरा वजन किवें बनता है, सोने नबी दे आखे लगन नाल
सोने नबी दी अतात करने नाल एवें नहीं वजन बनते सोनिया, ये वजन बनता है मेरे नबी दी फरमा बरदारी नाल, मर्जी नाल सारी सारी रात काम कर, सारी सारी रात नफल पढ़, सुन्नत तो हट के पढ़ तो एक नेकी भी नहीं, हर काम सुन्नत के मुताबिक करेगा सोनिया। है जी, कलमा सोने नबी का पढ़ना ते अतात और पैरवाई होरां दी करनी, क्यों जी? जेदा कलमा पढ़ी दे उहदी गल मन्नी दीए, जेदा कलमा पढ़ी दे उहदे पिछे चली दे। सीधी सीधी साडी दावत है, एवें नहीं लोग कबूल कर रहे, धड़ा धड़ इस दावत नूं कबूल कर रहे ने। जेदा कलमा पढ़ी दे उहदे पिछे चली दे, जेदा कलमा पढ़ी दे उहदे आखे लगी दे। क्यों? जो उस सोने दी जात जई किसे दी जात नहीं है, सोने दी बात जई किसे दी बात नहीं है। गल समझदियां चला जाना, मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी, अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह, सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस एक होर आ गई जे, यानी 1485 नंबर हदीस है। एदे रावी कौन ने? पतलियां पतलियां टंगा वाले, पतले 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 बाजू, छोटा जा कद। क्यों जी, कौन ने? भला हजरत उमर फरमाते ने असी बैठिया खोना मजमे च बैठिया होना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने खड़िया होना, साडियां गर्दना फिर भी अब्दुल्ला तो ऊंचियां, इतने छोटे जे कद वाले सहाबी हजरत अब्दुल्ला। ते अल्लाह ने शाना कितनियां दितियां, ते कुरान दे कारी से आपने फरमाया जिन्हें कुरान सीखना है तो अब्दुल्ला बिन मसूद को सीखा। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह, कुरान दे कारी ने ना, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी खुतबा इरशाद फरमाया, कौन बयान कर देने? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। मेरे नबी खुतबे तो बाद आप मुतवज्जे कोई लोगां वल्ले, अल्लाह दे नबी फरमाते ने मेरा जी करदा है, मेरे दिल का इरादा है अपने मुसल्ले ते तुहाडे चो किसे होर नू नमाज पढ़ाने वास्ते खड़ा करा, ते उन घर अंदर जावा जेड़े लोग नमाज जुमे वास्ते नहीं आए, उन्हां लोगां समेत उन्हां घरां नू अग ला के सड़ दिया। मेरे नबी नू पत्थर मारन वाले, मेरे प्यारे नबी नू पत्थरां नाल जख्मी कर देने वाले, उन्हां वास्ते मेरे नबी ने नहीं आखिया कि उन्हां दे घरां नू इवें जला देवा अग ला के, या वह पहाड़ा वाले फरिश्ते नू सुनी सी ना एक जुमे अंदर, सारी याद चीजा जिहड़े गौर नाल सुनदे ने, जनाब पहाड़ा वाले फरिश्ते नू आखिया होवे इन्हां नू पी के रख दे पहाड़ा दे दरमियान, अगर पी के सोने नबी होंठ खोल देंदे ना उत्थे एक कोई चीज नहीं बचनी सी, सारिया सारे दे सारे उन्हां लोगां दा मलीदा ते आटा हो जांदा। तू निकल दे उत्थों पहाड़ां दे दरमियान च, अल्लाह अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया चलो अल्लाह जी ये ना सही, इन्हां दियां नस्लां चो कयामत तक वास्ते कोई एक बंदा भी कलमा पढ़ लवेगा ते मैं मुहम्मद नू पत्थर खाने जख्मी होने लो लुआन होना महंगा नहीं है। अल्लाह मैनू सौदा बारे अलगर्ज मैं अर्जे कर रहा, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगां दे घरां च जावां जेड़े जुमे तो पिछे रह गए, उन्हां लोगां समेत घरां नू अग ला के साड़ देवां। इत्थे घरां दे घर भरे होए पता ही नहीं, उवें मुसलमान एडे पक्के बंदा कोई संभाले नहीं जाते किसी को ए मुसलमान। जी जी मेरे प्यारे वीर, आखिरी हदीस समाज फरमा लो ते बात खत्म है। ये जामे तिरमिजी दी सही सनद नाल हदीस मौजूद है, 496 नंबर हदीस है। ये 360 है ना जड़ा एप्लीकेशन 360 जेडे नंबर लिखे ने वो नंबर ने। हाँ जी जी, मुख्तलिफ मकतबियां दियां छपियां हुईयां ने मुख्तलिफ, हैं जी, या मुख्तलिफ होर जगह तो भी किसी वेले नंबर बयान किया जा सकता है, होर किधरों पढ़ के दूसरी किसी किताब तो दूसरे मकतबे की छपी हुई किताब तो। इस वास्ते मेरे वीर इधर वेखना जरा 496 नंबर हदीस है, अल्लाह उसी बुलियों
اس السقفی اوس بن سقفی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں روایت کردے نے پیارے نبی نے فرمایا جس بندے نے جمعے والے دن غسل کیتا غسل کیتا جس بندے نے اور غسل کروایا ایدے دو تین چار مانے غسل کرنا کروانا ایک غسل یہ ہے کہ بغیر سر دھون تو بھی غسل ہوتا ہے ایک غسل کروانا یہ ہے کہ سر بھی توتا امام وقی کہندے نے رحمت اللہ علیہ سر بھی توتا تے سارا جسم توتا تے چنگی طرح غسل کیتا ٹھیک ہے نا چنگی طرح ناتا ایک دوسرا علماء محدثین بیان کر دینے غسل کروایا شادی شدہ لوگ سمجھ گئے اس ترجمے نو ٹھیک ہے نا جی غسل کیتا اور غسل کروایا اور پھر سویرے سویر پہنچیا سویرے سویرے دے الفاظ نے حدیث اندر سویرے سویرے کتے پہنچیا ہاں بس گل سمجھ آ گئی نا ہن تے ترجمے ہی سمجھ آ رہے نے ہاں جی جناب سویرے سویرے مسجد اندر پہنچیا امام دے نیڑے نیڑے بیٹھیا دنا یعنی قریب ہونا دنا یدنا نیڑے نیڑے امام دے بیٹھائے اور خطیب دے قریب ہو کے بیٹھے آئے خطبہ غور نال سنیا تے چپ رہا غور نال خطبہ سنیا او دے ہر قدم دے بدلے اجر صلاۃ صیام و قیام ہر قدم دے بدلے اللہ کریم پورے سال دے روزیاں دا تے سال دیاں راتاں دے قیام دا ثواب لکھ دین گے جڑا بندہ ہزار قدم چل کے آیا مسجد نو سواری تے آیا وہ بھی قدم گنے جان گے سونے ہاں لاکھ قدم چل کے آیا کتھوں آئے لاکھ بن جاندے ہونگے ظفر لاکھ تے بن جاندے ہونگے قدم یار لاکھ تو بھی زیادہ بن جاندے ہونگے تے پھر تیرا تے ثواب لاکھ سال دے روزیاں دا اور لاکھ سال دی راتی عبادت دا ثواب مل جائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ ایمتنی اللہ کیا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ جی جمعے والی نماز واسطے جمعے والا دن یعنی جمعے والے دن جڑا بندہ جدو آواز دیتی جاندی ہے اللہ اکبر ماشاءاللہ آواز دیتی جاندی ہے جناب اس ویلے جمعے تے آیا اللہ اکبر چھڑ دیتا سارے کمانو فرمایا الہ ذکر اللہ اللہ دے ذکر واسطے جناب جلدی جلدی کر دائے ایمان والے ہو جدو اذان ہو جاوے جمعے دی فرمایا ہے جی جمعے دی نماز واسطے فسعو الی ذکر اللہ ودعو البیع فرمایا چھڑ دیو خرید و فروخت نو کئی کہندے نے دوڑ کے آنا جمعے واسطے جائز نہیں نماز واسطے دوڑتے بامے جمعے دی ہوئے دوسری ہوئے صحیح علماء دا فتوہ ہے کہ دوڑ کے نہیں آنا فسعو الی ذکر اللہ دا مطلب ہے جلدی نال بس ادھرو آواز آوے جلدی نال کام چھاڑ دے جلدی نال چل کو ٹھیک ہے نا جی اے جے مطلب ہے اے نہیں کہ جناب دوڑ پوے اتھو دوڑ ہاں جی فسعو الی ذکر اللہ ودر البی فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اے تو آڈے واتے بہترے اگر تسی جان دے ہو اگلیت اندر فیضہ قضیت الصلاة فانتشرو فی الارض وابتغو من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا جدو نماز جمعہ دی تو فارغ ہو جاؤ بکھر جاؤ اللہ دی زمین تے رزق تلاش کرو اللہ دا فضل تلاش کرو لیکن جاندے پیو واذکروا اللہ کثیرا اللہ دا ذکر بہتا کرنا ہے لعلکم تفلحون تاکہ تسی لوگ کامیاب ہو جاؤ وَإِذَا رَوْا تِجَارَةً أَوْ لَغْوًا
وَإِنْ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. فرمایا اے نہ ہوئے جدو تسی تجارت ویکھو کوئی کھیل تماشے والی چیز ویکھو اس ویلے جناب تسی چھڈ کر کے چلے جاؤ اللہ دے نبی کھڑے تے کھڑے ہی رہ جان خطبہ دیندے رہن تسی دوڑ نہ جایا جے. ایک وری مال آیا واپس وافر مال آیا منڈی چ مال آیا پتا لگیا اونٹاں دیاں آوازاں سن کے لوگ ادھر نوں دوڑے خطبہ ہو رہا سی. صرف بخاری دی حدیث اندر 12 بندے رہ گئے 12 بندے صرف باقی رہ گئے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے سنیو قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. اللہ دے کول اس کھیل کود نالوں اس تجارت نالوں بہتر چیز جے. آخر تے فرمایا واللہ خیر الرازقین. اللہ بہتر رزق دے اے نہیں دکان تے لکھ دینا واللہ خیر الرازقین. جمعہ نہیں پڑھنا کیوں جی؟ ہاں پڑھان والے پڑھاندے رہن کھڑے رہن کلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرح جویں آپ کھڑے رہ گئے. سنیا اے نہیں مطلب پوری ایت لکھیا کر پوری ایت تے عمل کریا کر پھر آخ واللہ خیر الرازقین. کلا واللہ خیر الرازقین نہیں چلنا. ہاں بس اے جی میراج دا جمعہ.